तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और बार फिर से गेमिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं ये गेम खेल रहा हूँ, उसका नाम है RYUK, रूको बुको कुछ नाम है, मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आ रहा। बाकी जो भी है, ये गेम एकदम कंप्यूटर वाले गेम की तरह है। अगर आपने कंप्यूटर में गॉड ऑफ वार या फिर डेविल मे क्राई खेला हुआ है तो आप लोग इस गेम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हो। ये गेम सेम उसी की तरह है, और सबसे बड़ी बात ये गेम अपने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में है, और इसकी ग्राफिक्स एकदम बेकार है। तो फिर ये छोटे फ़ोन में काम कर जाएगा। तो देखते हैं इस गेम में क्या है। तो लोकेशन का नाम है ब्लैक आई फोर्ट्रेस, और यहाँ फिलहाल अपने चल रहे हैं ट्यूटोरियल, और ये बड़ी सी तलवार लेके और बाप डॉच करते हुए इसका अटैक। तो ये फिलहाल डॉच करना सिखा रहे हैं। भाई सीख गया मैं, एक ही बार में सीख जाता हूँ। ये देखो, ओ शिट, कोई बात नहीं। ये देखो, ऐसे डॉच कर लिया मैंने, और इसके हाथ में इतनी बड़ी तलवार है, मेरे हाथ में छोटी तलवार है। और भाई साहब, मैं क्लिक पे क्लिक कर जा रहा हूँ और उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, इतनी सारी तलवार खा के जिंदा कैसे है ये। मैं तो भैया है कि तलवार में मेरी हाथ खराब हो जाएगी, दूसरी तलवार तो भैया मैं मर ही जाऊँगा, ये कैसे जिंदा है इतनी सारी तलवार में। ओरे बाप रे, और उसकी तलवार तो, ओरे भाई साहब, एक और बार मार दिया। और ये गेम पुश करने की बोल रहे हैं, और यहाँ से ये क्या है, क्या ये सोने जैसा, तो क्या है ये। और ओ तेरे की, ये क्या हो गया, ओ तेरे की एकदम फ्लैश की पावर आ गई, और मैं बहुत तेज क्लिक कर रहा हूँ, और बहुत तेज तलवार मार रही है। ओ भाई साहब, बहुत तेज क्लिक कर रहा हूँ मैं, ओहो मेरी स्क्रीन टूट गई फ़ोन की, ये क्या हो गया। और फाइनली वो मर गया, लेकिन मेरी स्क्रीन टूट गई। तो इसको मैंने नॉक कर दिया है, और ये मरने की हालत में, और ये मरने से पहले अपनी तलवार देना चाहता है हमें, और ये मेरा नाम पूछता है। इसको बताता हूँ, मेरा नाम है रूको। उसके बाद ये नाम सुनते ही मर जाता है और अपनी तलवार हमें दे जाता है। और ये देखो, मेरी स्क्रीन टूट गई है यार, क्या कर रहे हैं गेम वाले, भाई स्क्रीन सही करो, ऐसे खेलूँगा क्या मैं। और उसकी तलवार हमें मिल चुकी है, ग्रेट कटाना, और इसको हम इक्विप्ट कर लेते हैं। और यहाँ तलवार चेंज हो सकती है, और भाई साहब इतनी लंबी चौड़ी तलवार अपने हाथ में, और अरे इस लड़की ने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है, भाई ये कैसे मार रही है, इसने बड़े से मास्टर को मार दिया, वो भी आंखों में पट्टी बांध के। ओ भाई साहब, यहाँ तो तुम लोग चल भी नहीं पाओगे, आंखों में पट्टी बांध के चलो तुम लोग, नहीं मैं अपनी बता तो मैं नहीं चल पाऊँगा। और ये कैसे भाई, और ये डब्बे डब्बे से फोड़ रहा हूँ मैं, इसमें से कुछ मिल रही है चीज़ें, और गन मिली है और सिल्वर बुलेट मिली है। ओके, तो यहाँ डब्बे फोड़ते फोड़ते आगे चलते हैं, और देखते हैं अगर दुश्मन कौन है अपना। तो गाइस, बहुत सारे डब्बे फोड़ लिए और मुझे सोना मिला है बहुत सारा, और वहाँ एक पतला सा आदमी हमारा इंतजार कर रहा है, और उसके लिए इतनी बड़ी तलवार काफ़ी होगी। और ये भगता हुआ रहा है, लेवल 15 है इसका, और हमें स्पेशल अटैक हमें इक्विप्ट करना है अपना, और स्पेशल अटैक की बुलेट्स भी होगी, सिल्वर बुलेट्स। तो लगता है गोली चलाएंगे अब इसमें, और बूम, ओ तिरकी, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है एक ही बंदूक में, और तलवार एक ही तलवार में ख़त्म। ओ तेरे की भाई साहब, जो इसकी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई एक ही तलवार में। तो इसका मतलब ये तलवार बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ग्रेट कटाना। और सामने से एक और मोटा सा आदमी भागता हुआ आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा उसकी तरह लग रहा है, जैसे नारुतो में एक विलन होता है मिट्टी वाला, उसकी तरह लग रहा है ये। और हमें अपना इसका एक और हमें स्पेशल अटैक मिला है, तो इसको भी यूज़ करके देखते हैं इस पर। ओके, ओ तेरे की, बहुत तेज लिंजा स्टार फेंक रही है। तो ये गेम पूरा के पूरा लिंजास के ऊपर बेस्ड है। और भाई साहब, अभी बहुत तेज पड़ती है, वो दूर से तलवार लेके आता है, और मैं इसके ग्रेट कटाना मार रहा हूँ, और ये लोग बार बार अपने ट्यूटोरियल दिए जा रहे हैं, ट्रस्ट अटैक, ठीक है जो भी अटैक है इसको यूज़ करके देखते हैं। एकदम कंप्यूटर की तरह गेम बना रखा है, और तलवार चेंज करो ना तो ये टूटी हुई स्क्रीन भी आ जाती है यार, और अगर स्क्रीन को होल्ड करके रहे तो फिर ये वाला अटैक करती है जो मैंने अभी भी अनलॉक किया था। अबे साले मोटे, रुक बताता हूँ तुझे, मोटा तो नहीं है खैर, पतला है, लेकिन पीछे का टांग रखा है इतना बड़ा बैग। अबे यार ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं हो रहे, ओ देखो कितनी बकचोदी की है इन लोगों ने। देखो वो पहले वो दे दिया मुझे आइकन सा, उसके बाद उसने मुझे मार दिया, और मैं पिटे जा रहा हूँ, मेरी स्किन को क्या हो गया। और ले साथ ये ग्रेट, अरे यार मैं मार क्यों खा रहा हूँ इतनी सारी, इस छोटी लड़की को मारता है, बदतमीज हरामखोर, शर्म नहीं आती तुझे, तेरी ऐसी की तैसी, पास आ, पास नहीं आ, दूर दूर जा तू, दूर जा, मेरी तलवार इतनी बढ़िया ना तो दूर जाएगा तो ये ठोक देगी। और ये दो से तीन नहीं, कम से कम 10-15 अटैक में मारा गया ये, और देखो कैसे रायते की तरह फैल गया, लेकिन इसका खून बहुत कम निकला, खून नहीं है क्या इसके अंदर।
तो जो भी हो ये देखो स्क्रीन, जैसे मैं गन चेंज कर, वो गन बोल रहा हूँ यार, जैसे मैं तलवार चेंज करता हूँ तो फिर स्क्रीन भी टूटी हुई आ जाती है। और यहाँ पे क्या है ये सब, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट है। और भाई साहब कौन है ये, कौन सा है, स्नाइपर बैठा है क्या, ओ तेरे के ऊपर से गोली मार रहा है, तो लिंजा स्टार मारते हैं इसके ऊपर और बूम लुढ़क गया वो साला वहीं पे। इतना नूबड़ा है ये ना, मैं होता तो इसकी जगह मैं होता तो इस लड़की को एक ही बंदूक में टपका देता, लेकिन वो नूबड़ा है। तो चलो चलते हैं ऊपर, और इसके पास से भी हमें कुछ मिलेगा, सोना 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 मिल गया है अपने अपने को। और यहाँ से उतरते हैं और ये फिर चढ़ गया मैं यार, कंट्रोल भी तो नहीं संभाले जा रहे मेरे से। तो बढ़ते आगे और तो देखो कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। ब्रिज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और ब्रिज जैसा भी है लेकिन मजबूत है। और यहाँ पे दौड़ नहीं रही है, तो इन लोगों को अपनी एनिमेशन दिखानी है, तो ठीक है भाई पहल चलते हैं यहाँ से। और बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल चुका है भाई साहब, इतना लंबा दरवाज़ा क्यों बनाया है इन लोगों ने भाई, इतना लंबा दरवाज़ा क्यों बनाया है। तो मुझे नहीं लगता आपको दुश्मन दुश्मन है, और दिख भी नहीं रहा, तो थोड़ी सी लगता है यहाँ तिजोरी पिजोरी यहीं पे कुछ होगा, क्योंकि सामने का रास्ता बंद है। तो गाइस बहुत देर तक घूमने के बाद मुझे यहाँ के एग्जिट मिल चुका, और इस बाबले को देखो, ये ले साले एक ही तलवार में भाई साहब, पीछे से तो एक ही तलवार में इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो डब्बे वब्बे फोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं फिर से। तो गाइस यार बहुत सारे डब्बे वब्बे फोड़ते हुए मैं आ चुका हूँ यहाँ से बाहर, और गेम का एनवायरनमेंट और जो ये घर वगैरह बहुत ही सुंदर बनाया है इन लोगों ने, एकदम कंप्यूटर जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कंप्यूटर मैंने ऐसे गेम खेले हुए हैं, गॉड ऑफ वार या फिर डेविल मे किराए, तो सेम वैसे ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इन लोगों ने दिया है। और तलवार देखो जैसे ही मैं चेंज करता हूँ तलवार टूट हुई आती है भाई, क्या बताऊँ, उस बार तलवार में खेलने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्रीन टूटी हुई दिखा रहे हैं उसमें। और यहाँ पे कोई मंदिर ट्राई पास चुका है, क्या सिखा रहे हैं ये लोग, ठीक है तो इसको आगे दबाना है। ओहो तो ये तो सुपर फास्ट तरीके से भागने लग जाती है, अच्छा ओहो मैं दीवार में ठुक गया, मेरे को ब्रेक ही नहीं मारना आया, तो भागने लग जाती है तो ब्रेक मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है दौड़ भाई दौड़, और हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर मंदिर टाइप कुछ है, लेकिन बहुत देर हो गई अब तक एनिमीज नहीं आए, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, शायद तलवार वलवार अपग्रेड करेगा, क्योंकि ये वही काम कर रहा है लोहार का। ओके जैसा मैं सोचा था, तो हमें अपग्रेड करनी है अपनी ये तलवार। ओके ग्रेट कटाना को अपग्रेड करते हैं अपनी, एक दो और ये तीन, ओके अपग्रेड हो चुकी है लेवल 2 की, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत डैमेज बढ़ गया होगा। और सामने रास्ता बंद है, तो गाइस बहुत देर तक घूमने के बाद, बहुत सारी बकचोदी करने के बाद, सॉरी हमें ये रास्ता खुल चुका है। और बाय द वे अब हम अपने, शायद मुझे कोई एनिमीज वगैरह मिले, कोई बॉस मिले, हाँ अक्सर गेम में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा लड़ने के बाद बॉस आ जाते हैं, तो बॉस फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बॉस फाइट करने से पहले ये लोग, मुझे लगता है दो तीन चीज़ें और देंगे, जैसे गन दी है और फेंकने वाले लिंजा स्टार्स दिए, शायद क्या पता और भी चाहिए दें। तो गाइस अपने हमने चैप्टर 1 या फिर लेवल 1 जो भी है वो कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे से हम खेलेंगे अगले एपिसोड में। देख सकते हो सामने की तरफ एक बंदा है, लेकिन उसको मारेंगे अगले एपिसोड में, बोल देते हैं उसको भोसड़ी की, सुन ले तेरी अगली अगले वीडियो में तेरी वाट लगेगी सुन ले। तो गाइस उसको वार्निंग दे दिया, तब तक वो वेट करेगा, आप लोग भी अगले वीडियो तक का वेट करो। कल मैं इसी गेम की वीडियो अपलोड कर लूँगा, तब तक अच्छे से खेलो कूदो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाय बाय।